सैमसंग गैलेक्सी A80 ए सीरीज के अंदर ये आता है, लॉन्च हुआ है और इसमें आपको फ्लिप कैमरा भी मिलता है, कैमरा काफी अच्छा है। चलिए आज इस वीडियो में मैं आपके सामने सैमसंग गैलेक्सी A80 का अनबॉक्सिंग करूंगा, साथ में इसमें आपको क्या यूनिक फीचर्स मिलता है वो भी दिखाऊंगा और इसमें क्या आपको खास मिलता है वो भी बताऊंगा, साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे काम कर रहा है, कैमरा से कैसा पिक्चर आपको मिल रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, स्पीकर का आउटपुट कैसा है, सब कुछ, और उसके बाद डिटेल रिव्यू और टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो भी आ जाएगा। तो चलो करबो ना देरी, शुरू करी सैमसंग गैलेक्सी A80 अनबॉक्सिंग तातारी। तो ये रहा सैमसंग गैलेक्सी A80 का रिटेल यूनिट बॉक्स। अभी बॉक्स में आप देखिए यहां पे आपको स्मार्टफोन का यहां पे पिक्चर मिलेगा A80 और यहां पे फ्लिप कैमरा। मेरे पास ये ब्लैक कलर है और 8GB रैम और 128GB मेमोरी वाला वेरिएंट। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 47,990 रुपीज से। अभी यहां पे देखिए कुछ हाईलाइट फीचर्स को यहां पे दिखाया गया है, जैसे यहां पे न्यू इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलता है, रोटेटिंग कैमरा मिलता है, सुपर फास्ट चार्जिंग मिलता है, यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, 6.7 इंच का फुल रेक्टेंगल डिस्प्ले मिलता है और ये देखिए यहाँ पे 48+8 मेगापिक्सल और 3D डेप्थ कैमरा मिलता है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए पहले ही आपको मिलता है एक छोटा सा बॉक्स। इस छोटे से बॉक्स के अंदर मिलता है आपको एक बैक केस, काफी अच्छा क्वालिटी का है और हाँ थोड़ा सा हार्ड भी है। अभी उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलता है, यानी प्रेम पत्र सैमसंग के तरफ से, जैसे यूजर गाइड, वारंटी कार्ड एटसेट्रा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको एक मेन यूनिट मिलता है, ये देखिए ब्लैक कलर में सैमसंग गैलेक्सी A80। उसके बाद आपको मिलता है एक USB टाइप सी केबल, ये देखिए, और यहाँ पे 25W का एक फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है, और लॉन्च पे आपको मिलता है USB टाइप सी वाला आपको एक हेडफोन जैक। अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है, मिलना चाहिए, और जो हेडफोन का क्वालिटी है वो भी काफी खास है। सैमसंग गैलेक्सी A80, अब देखिए यहाँ पे पीछे में आपको बहुत ही अच्छा डिजाइन दिया गया है, ये देखिए एकदम प्लेन, और ये आपको ग्लास डिजाइन मिलता है, आपको मिलता है एक फ्लिप कैमरा, ये देखिए इस तरह से ये काम करता है, और पीछे का कैमरा वो भी काफी खास दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप डिजाइन को देखोगे तो काफी अच्छा लग रहा है, शाइनी डिजाइन है, पर हाँ थोड़ा सा फिंगर मैग्नेटिक है। फोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे 6.7 इंचेस का आपको एक फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। अभी ये एक इन्फिनिटी डिस्प्ले है और देखिए आपको जो ऑल साइड में यानी 4 sides में आपको राउंड कॉर्नर्स देखने को मिल रहा है, बेजल्स बहुत ही कम है, ये देखिए बेजल्स बहुत ही कम है, मुझे काफी अच्छा लगा। और हाँ ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो और गेम खेल रहे हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो राइट साइड में यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिलता है पावर बटन, ये देखिए, पर कोई भी टेक्सचर नहीं है, और लेफ्ट साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। देखिए ऊपर में आपको एक सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है, नीचे में आपको सिम इजेक्टर ट्रे मिलता है, सिम ट्रे, और यहाँ पे आप 2 SIM का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद USB टाइप सी केबल, प्राइमरी माइक और स्पीकर ग्रिल। स्पीकर का साउंड मुझे काफी अच्छा लगा, इसमें डेप्थ आपको मिलेगा, हाई अच्छा है, हाई फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, लो, सब कुछ अच्छा है, मुझे काफी अच्छा लगा सैमसंग गैलेक्सी A80 का साउंड क्वालिटी। अब देखिए यहां पे आपको मिलता है पीछे में 3 cameras। जो आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर के साथ, जो आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है वो मिलता है f2.2 एपर्चर के साथ, और अंत में आपको एक डेप्थ सेंसर मिलता है यानी TOF 3D आपको डेप्थ सेंसर, काफी अच्छे से काम करता है ये।
और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो ये आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि यहां पे आपको लाइव फोकस वीडियो का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी आपको थोड़ा सा ब्लर वीडियो मिल जाएगा, यानी बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा जैसे आपको पिक्चर में मिलता है। बहुत ही अच्छा लगा इसका पिक्चर क्वालिटी, और सामने में भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, f2.0 अपर्चर, यानी जो पीछे में है वही सामने में है, साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक TOF लेंस, और ये एक 3D डेप्थ सेंसर है। काफी अच्छा लगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है सैमसंग गैलेक्सी A80 से, मैं इसका जो पिक्चर क्वालिटी और लो लाइट में जो ये पिक्चर लेता है काफी काफी अच्छा। यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे आपको EIS भी दिया गया है, और सामने में भी आपको पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी काफी गजब का मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं 3.5mm जैक से साउंड क्वालिटी आपको कहूं तो वो भी काफी अच्छा है। इसमें दिया गया है 3700mAh बैटरी, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है तो बैटरी आपको काफी एफिशिएंट मिलेगा। आपको 25 वॉट का एक फास्ट चार्जर भी मिलता है, काफी अच्छे से ये चार्ज कर देता है, तो आपको यहां पे दिक्कत नहीं आएगा। अगर मैं यहां पे जो आपको कहा कि डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है, यहां पे आपको स्पीकर क्वालिटी अच्छा मिलता है, कैमरा क्वालिटी अच्छा मिलता है, और ये देखिए ये जो इसका वेट है थोड़ा सा आपको हेवी वेट लगेगा, क्योंकि यहां पे आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिल रहा है। कॉल क्वालिटी काफी अच्छा लगा, इसका जो कॉल क्वालिटी है, कॉल रिसेप्शन है, मुझे काफी अच्छा लगा, लाउड है, अगर आप क्राउड में भी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं, इसका जो नेटवर्क रिसेप्शन है वो भी काफी अच्छा है, कॉल ड्रॉप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। आपको वन UI दिया गया है और काफी अच्छा, आप जानते हो वन UI का क्या फीचर्स है दोस्तों। यहाँ पे आपको डार्क मोड मिलता है, बहुत सारे थीम्स भी आपको मिल जाएगा, और इतना ही नहीं ये बहुत ही स्लीक है, और मैं ये कहना चाहता हूं ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। प्रोसेसर इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G मिलता है, साथ में यहाँ पे जो GPU वो भी खास है, आपको यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलता है। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू भी लेके आऊंगा इसके ऊपर। इसका जो फेस अनलॉक है और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफी अच्छे से काम करता है, पर यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्स बताना चाहता हूं, इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो थोड़ा सा आपको लैगी देखने को मिलेगा। यानी तो यही था इस फोन का कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और आपको कैसा मिल रहा है। ये मेरे हिसाब से अगर सैमसंग आपका प्रायोरिटी है, अगर आपको एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आपके लिए सही चयन हो सकता है Samsung Galaxy A80।